हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे नस्टेशियम के प्लांट हैं जो सीड से मैंने ग्रो किए हैं, अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि कौन से ऐसे 15 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट बताऊंगी जो आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। तो नंबर 1 पर जो बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है, ये है कैलेंचो। दोस्तों, आप अभी भी इसकी कटिंग लगाएंगे, 1 या 2 दिन में इसकी कटिंग लग जाती है, तुरंत आसानी से लगने वाला ये प्लांट है। और एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह की कटिंग आप लेंगे और आपको जब भी सॉइल मिक्सचर हो, बहुत ही सॉफ्ट सॉइल मिक्सचर में अपनी कटिंग लगाया करें। और कटिंग लगाने के दोस्तों, आप कटिंग को ना एकदम से डायरेक्ट धूप में ना रखें, जब भी कटिंग लगाएं तो सेमी शेड में रखें। और ये प्लांट तो एक पत्ती से भी दोस्तों ग्रो हो जाता है। यहाँ पे वेरीगेटेड कैलेंचो है, जो कि देखिए दोस्तों कितना अच्छा से एक लीफ से भी ये तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही हार्डी और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, अभी इसमें फ्लावर शुरू नहीं हुए हैं। दूसरे नंबर पर अभी भी आप कटिंग से जनवरी में बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है, वो है गेंदा। दोस्तों, मैरीगोल्ड की कटिंग यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए अभी फ्लावर नहीं शुरू हुए हैं। तो मैं इसकी कटिंग आपको बताऊंगी कि इस तरह से ऊपर वाली ट्रिप को आपको तोड़ना है। आप चाहो तो दोस्तों इसको एलोवेरा जेल लगा के लगा सकते हैं, और अगर आप इसको रेत वालू में लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से कटिंग चल जाएगी। आपको सिर्फ नीचे की जो पत्तियाँ हैं उनको ताके सॉइल मिक्सचर में लगा देना है। तो गेंदे की कटिंग को आप लगा सकते हैं, खूब सारी गेंदे की कटिंग रेडी कर सकते हैं। अभी भी आप गुलदावरी की कटिंग को लगा सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, कटिंग लगा लेंगे तो अगर अभी लगा लेंगे तो इसके नेक्स्ट ईयर भी खूब सारे प्लांट आपके रेडी हो जाएंगे। नीचे से जो प्लांट आ रहे हैं, शक्कर आ रहे हैं, तो इनके नीचे की लीफ को, नीचे की लीफ को हटा देना है। इस तरह से हटाएंगे आप और फिर इसको आपको इस तरह से सॉइल मिक्सचर में लगा देंगे। दोस्तों, 4-5 दिन में आपको इसकी रूटिंग मिल जाएगी, तो ये बहुत आसानी से अभी आप इसको लगा सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों कैलेंडुला। कैलेंडुला दोस्तों कटिंग से नहीं लगता है, लेकिन इसके साइड से, इसके बीचों बीच से, इसके किनारे से इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस ये जो प्लांट है, आप इस तरह से इसको निकाल लेंगे, इसमें थोड़ी सी रूट भी मिल जाएगी आपको। अगर आप इस तरह से निकाल के इसको मिट्टी में लगा देंगे तो दोस्तों ये बहुत आसानी से कैलेंडुला बेबी प्लांट से ग्रो हो जाता है। कटिंग नहीं लगती है, लेकिन इसके नीचे से जो पफ आते हैं उनसे आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों जरबेरा। ये बहुत ही अच्छा कटिंग से नहीं दोस्तों, इसके इसके भी कैलेंडुला के जैसे नीचे से साइड प्लांट आते हैं। तो इसको भी आप अलग से इनके बेबी प्लांट को निकाल लेंगे, रूट डिवाइजन से भी ये लग जाता है। तो अगर आपके खूब सारे घना हो जाए, मेरा तो अभी बहुत ही छोटा है, अभी लाई थी मैं इसी साल, तो अभी इसके खूब सारे बेबी प्लांट निकलेंगे, तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। मेरा अभी छोटा है, वरना मैं आपको दिखाती। यूफोरबिया मिली बहुत ही आसानी से दोस्तों कटिंग से लग जाता है। आप इसकी कटिंग 12 माह लगा सकते हैं, बस इसकी कटिंग लगाने का एक तरीका है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप इसकी कटिंग ले, आप कोई भी नीचे से भी कटिंग ले सकते हैं। अभी मैं इसको कैंची से काट के बताती हूँ आपको। इस तरह से आप किसी भी सीजर से इसको कट करेंगे नीचे की लीव्स को, और ये देखिए इसको बस आपको रख देना है, आपको इसको तुरंत नहीं लगाना, जब तक इसका ये मिल्क जैसा सैप निकलता है ये सूख जाए, फिर इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग्स रेडी कर रखी है यहाँ पे। तो ये इस समय इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, पानी को आप
कम ही डालें तो बहुत अच्छे रहेगा। आप अभी भी इसको लगा सकते हैं, बोगनविला दोस्तों बहुत ही अच्छे से कटिंग से लग जाता है। मैंने इसके भी कई प्लांट अभी लगाए हैं जनवरी के महीने में। तो आप इसको ऊपर वाली टिप, थोड़ी सी हार्डवुड लेना है, एकदम भी सॉफ्ट नहीं लेना है, थोड़ी सेमी वुड कटिंग लेंगे आप। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कटिंग लगाई थी तो वो भी दोस्तों चल गई है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं, एक एक कटिंग ये लगाई है तो इसी में मैं आपको लगा के ये बताती हूँ, नीचे की पत्तियों को काट करके और आपको बोगनवेलिया की कटिंग को लगा लेना, बहुत आसानी से दोस्तों लग जाएंगी। कटिंग को आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, कटिंग को किसी भी पेड़ के नीचे या किसी भी गमले के ऊपर आप रख सकते हैं। कटिंग लगाना है तो अभी भी आप इसकी हाइब्रिड जो गुड़हल होता है उसकी कटिंग को आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से गुड़हल की कटिंग। आप देसी भी लगा सकते हैं, बस आपको ऊपर की या आप बीच की भी टिप ले सकते हैं, ऊपर की भी ले सकते हैं। तो गुड़हल ऐसा है, इसकी कोई भी कटिंग ऊपर की ले या नीचे की सभी लग जाती है। ये लैंडाना है दोस्तों, बहुत ही आसानी से कटिंग से चलता है, अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी इसके कई सारे एक प्लांट लाई थी मैं नर्सरी से और आज मैंने इसके कम से कम मैंने तो 6-7 प्लांट मेरे रेडी हो गए हैं। इसकी भी आपको देखिए दोस्तों ऊपर वाली इस तरह की टिप तोड़नी है और नीचे की पत्ती हटा के आपको किसी भी गमले में, आप किसी भी आप जिस गमले में से तोड़ रहे हैं उसी गमले में भी आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो चलता रहता है, मॉइस्चर मिल जाता है दोस्तों। तो कटिंग भी बहुत आसानी से लैंटाना की कटिंग लग जाती है, बहुत ही आसानी से कटिंग लगने वाला बिगुनिया है दोस्तों। बिगुनिया भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। आपको यहाँ से एक ब्रांच लेनी है, नीचे से कहीं से भी आप इसकी ब्रांच तोड़ लें, बस 2-3 नोड एरिया होंगे तो आपकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। ये देखिए दोस्तों इसको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। आप अपनी ये बिगुनिया की कटिंग में बार बार पानी ना डालें, एक बार पानी डालने के बाद दोस्तों अगर मिट्टी मॉइस्ट है तो अब बिल्कुल भी आपको पानी देना नहीं है। तो बिगुनिया बहुत आसानी से दोस्तों कटिंग से लग जाता है, तो बिगुनिया की कटिंग को आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं दोस्तों। यहाँ पे डहलिया, मिनी डहलिया की कटिंग, आप चाहे बड़ा वाला डहलिया हो या मिनी डहलिया, सबकी कटिंग लगा सकते हैं। या दोस्तों यहाँ पे है गजानिया, जो गजानिया है ना दोस्तों वो नीचे से आप इसके बेबी प्लांट निकाल निकाल के इनको अलग कर सकते हैं और खूब सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों पिटूनिया। पिटूनिया को बहुत आसानी से कटिंग से लगाया जा सकता है, ये कई कलर में मिलता है। यहाँ पे ये देखेंगे मैंने खूब सारी कटिंग, छोटी छोटी कटिंग्स यहाँ पे ये खूब सारी कटिंग लगा के रखी है। पिटूनिया बहुत हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। थोड़ा टाइम लगता है इसकी कटिंग को लगने में, लेकिन दोस्तों लग जरूर जाती है। आपको इसको ऊपर वाली टिप को इस तरह से तोड़ लेना है और नीचे की पत्तियों को हटा के इस तरह से हटा के सॉइल में आप लगा दें, जिस प्लांट में लगा है उसी में लगा देंगे तो ये पिटूनिया बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है डेंथस दोस्तों, कटिंग से लगने वाला, बहुत ही आसानी से लगने वाला ये प्लांट है। आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने कटिंग से लगाई है, ये थोड़ा मेरा ऊँचे में लगी है वरना मैं आपकी इसकी कटिंग को लगा के दिखाती। और कोलियस को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, फ्लावर नहीं है तो फ्लावर से कम नहीं है, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से दोस्तों लग जाती है। ये देखिए मैंने छोटी छोटी इसकी कितनी सारी कटिंग, आपको ऊपर की टिप को मॉइस्ट सॉइल में लगा देना है और पानी को बार बार नहीं डालेंगे तो ये इसकी ब्यूटीफुल लीफ कितनी अच्छी लगती है, फ्लावर का टक्कड़ देती हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।